गाजियाबाद में एक दंपति को बच्चे के इंतजार में 4 साल बीत गए। भगवान ने जब इस दंपति पर कृपा की तो एक ही साथ 4 बच्चे उनके गोद में डाल दिए। ये वाकया गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल का है। बच्चा ना होने की वजह से जब वो परेशान हो गए तो उन्होंने IVF तकनीक का सहारा लिया। इसके बाद उनके घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। लेकिन इस वाक्य ने एक मुद्दे को और भी हवा दे दी है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की बात चल रही है, वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में एक मां ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म देकर इस पर बहस और भी तेज कर दी है। वजह है जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर उनके अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित होने का नियम लागू है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक साथ 4 बच्चे हो गए तो इस कानून में उसका क्या प्रावधान है। यहाँ जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 को जानना भी जरूरी है, तो आइए ग्राफिक्स के जरिए इस पर एक नजर डालते हैं। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का उल्लंघन करने पर जाएगी नौकरी। 2 से अधिक बच्चे वाले को सरकारी नौकरी में आवेदन और प्रमोशन नहीं। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्तगी। नसबंदी करवाने पर इंक्रीमेंट और प्रमोशन नौकरी नहीं तो पानी, बिजली, हाउस टैक्स और होम लोन में भी छूट। बहुविवाह के मामलों में 2 ही बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह का वाक्य पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले भी कई माएं एक साथ 4 बच्चों को जन्म दे चुकी हैं, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार बखूबी वाकिफ होगी। लेकिन नए विधेयक में इसके लिए कोई प्रावधान नजर नहीं आ रहा है, जो कि काफी सोचनीय है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने और उसके अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें आप राजपथ टीवी चैनल से। साथ ही राजपथ टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को भी बजाएं। अपना बहुत ख्याल रखें, साथ ही याद रहे 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी।